हेलो लवली स्टूडेंट, दिस इज आध्या। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आपके सामने आए हैं 8th क्लास की मैथ्स लेकर एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 5। मैं डिक्टेट कर रही हूँ, प्लीज ध्यान से सुनिएगा कि क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कह रहा है। एक्सप्लेन करिए व्हाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। रेक्टेंगल को हम कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों कहते हैं? ठीक है, आपको ये समझना है। देखिए, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कैसे कहते हैं। जिस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स इंटीरियर पार्ट में लाई करते हैं उनको हम कॉन्वेक्स कहते हैं, या फिर जिनके सभी वर्टिसेस अंदर की तरफ खुलते हो उनको भी हम कॉन्वेक्स कह सकते हैं। हम इसको ड्रॉ करके समझेंगे, आपको ज्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है ये। हम एक रफली डायग्राम बनाते हैं एक रेक्टेंगल का। देखिए, मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया जल्दी से। आप पहले चेक करिए, देखिए चार वर्टिसेस हैं, चारों के मुंह अंदर की तरफ खुल रहे हैं। टोटल चार ही वर्टिसेस होते हैं रेक्टेंगल में, तो ये अंदर की तरफ खुल रहे हैं। ये तो एक जनरल बात होगी आपको समझने के लिए। जब आप इसके डायगोनल्स ड्रॉ करते हैं दोनों के दोनों, आपने एक डायगोनल ड्रॉ किया फिर आपने दूसरा डायगोनल, आपने क्या देखा कि इसके जो दोनों डायगोनल्स हैं वो अंदर ही आ गए हैं, उनका कोई भी पार्ट बाहर की तरफ लाई नहीं कर रहा, पूरा का पूरा पोर्शन अंदर ही है, तो इसलिए ये कॉन्वेक्स है। तो कॉन्वेक्स की डेफिनेशन यही होती है, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल डायगोनल्स या इन विच बोथ डायगोनल्स लाई इन द इंटीरियर पार्ट इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। सो रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो आप यहां लिखेंगे रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बिकॉज बोथ ऑफ इट्स डायगोनल्स लाई इन द इंटीरियर पार्ट, क्योंकि इसके दोनों डायगोनल्स अंदर है इसलिए ये कॉन्वेक्स है। तो ये क्वेश्चन हो गया खत्म। बस छोटी सी एक्सप्लेनेशन देनी थी कि क्योंकि दोनों डायगोनल्स अंदर है इसलिए ये कॉन्वेक्स है। हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 पे भी पढ़ लेते हैं हमें क्या दिया है। एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बना दिया हमने, ठीक है। एंड ओ इज अ मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑपोजिट टू राइट एंगल। उन्होंने क्वेश्चन में हमें फिगर बना के दिए, ये एबीसी राइट एंगल है, ओ इसका मिड पॉइंट है, ठीक है, राइट एंगल के ऑपोजिट साइड का ओ मिड पॉइंट है, यानी कि एसी का मिड पॉइंट है। अब आपको क्या करना है, एक्सप्लेन व्हाई, एक्सप्लेन करिए कि ओ जो है इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम ए, फ्रॉम बी, फ्रॉम सी, तीनों से इक्वी डिस्टेंस है। देखिए, ओ ए और सी से तो इक्वी डिस्टेंस है, तो क्वेश्चन में दे रखा है क्योंकि ओ मिड पॉइंट है। अब वो बी से भी इक्वी डिस्टेंस है, ये हमें एक्सप्लेन करना है। पहले तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, हमने ज्वाइन कर दिया है। अब हम इसमें कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हम यहां से एक लाइन एक्सटेंड कर रहे हैं और यहां से इसको डॉटेड से, वैसे तो ये बुक में ही ज्वाइन करके दिया भी हुआ आपको, और इसको भी हम ज्वाइन कर रहे हैं। हमने एक्चुअली में इसको एक क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म दे दी है, ठीक है, हमने ये इमेजिनरी ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। हम यहां लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में हम दिखाएंगे कि हमने क्या करा है। एक्सटेंड ए टू डी पॉइंट सच दैट, इस तरह से किया है कि एडी और बीसी पैरेलल हो गई, ठीक। एक्सटेंड, फिर हमने क्या करा है, एक्सटेंड सी टू डी पॉइंट, सी को डी पॉइंट तक एक्सटेंड किया है, सच दैट इस तरह से एक्सटेंड किया है कि ए बी और डी सी पैरेलल हो गए, एंड हमने ओ को डी से ज्वाइन किया। ये सारा काम हमने कंस्ट्रक्शन में दिखा दिया, डॉटेड से लिया, ये तीन चीजें हमने कंस्ट्रक्शन में दिखा दी है, ठीक है। अब हम
ये जानते हैं कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के दोनों पेयर ऑपोजिट साइड के, ये क्वाड्रिलेटरल बन चुका है। अब क्वाड्रिलेटरल का नाम है एबीसीडी। इस क्वाड्रिलेटरल में दोनों पेयर ऑपोजिट साइड के पैरेलल भी हमने दिखा दिए कंस्ट्रक्शन में। तो जब किसी क्वाड्रिलेटरल के दोनों पेयर पैरेलल हो तो वो पैरेललोग्राम बन जाता है। तो हम यहां लिख लेते हैं इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। दोनों पेयर ऑपोजिट साइड के पैरेलल है, ये कहां से आया? थ्रू कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हमने दिखाया कि दोनों पेयर पैरेलल है। देयरफॉर एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। एबीसीडी क्या बन गया हमारा? एक पैरेललोग्राम बन गया। और पैरेललोग्राम की आपको अगर प्रॉपर्टीज याद हो तो मैंने आपको बताया था कि पैरेललोग्राम के ये डायगनल्स, दोनों के दोनों डायगनल्स एक दूसरे को बाइसेक करते हैं, यानी कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? AOCO के इक्वल है, BODO के इक्वल है, या आपस में सारे इक्वल हो गए। तो दोनों डायगनल्स बाइसेक कर रहे हैं, हेंस डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, और ये ईच एंगल 90 का है। एक 90 का है तो ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा। तो एक्चुअली में जो पैरेललोग्राम है इसमें सारे एंगल 90 के हैं, ठीक है, सारे एंगल 90 के हैं और ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है। तो ये एक रेक्टेंगल की फॉर्म ले लेगा। जब ये एक रेक्टेंगल की फॉर्म ले लेगा तो रेक्टेंगल के डायगनल्स इक्वल भी होते हैं और इसके डायगनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। तो सारे पार्ट्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। ABCD is a parallelogram and one, यहाँ पे आप mention कर दीजिए, and one angle is 90 degree, एक angle 90 का है, so it is a rectangle। तो ये क्या बन गया है? ये rectangle बन गया है और rectangle के diagonals bisect भी करते हैं and are equal, और equal भी होते हैं। यहाँ मैंने लिख दिया कि equal भी होते हैं। रेक्टेंगल क्यों बना बता दिया, पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 का हो तो वो रेक्टेंगल बन जाता है और रेक्टेंगल के डायगनल्स आपस में बाइसेक्ट भी करते हैं और इक्वल भी होते हैं। जब ये आपस में बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, इक्वल भी हो रहे हैं, तो ये चारों पार्ट्स इक्वल हो गए। AO, CO, BO, TO चारों इक्वल हो गए। और हमसे क्वेश्चन में यही बोला था, एक्सप्लेन करिए व्हाई O इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ABC। तो चारों इक्वल है, हेंस O is equidistant from ABC। ये तीनों से equidistant होगा। खत्म क्वेश्चन। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसी के साथ हमारा चैप्टर भी फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। गुड बाय फ्रेंड्स।